What's up guys, this is Mr. Technical and welcome back to the channel. काफी सारे लोग नहीं जानते हैं कि Samsung कहाँ की कंपनी है. जी हाँ, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं. मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए जहाँ पे कुछ ओपिनियन शेयर किए हैं, कुछ रिव्यूज भी हैं Samsung के स्मार्टफोन्स के ऊपर. तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले जब मैं पूछता हूँ कि क्या आप Samsung के स्मार्टफोन लेना प्रेफर करेंगे, तो काफी सारे लोग रिप्लाई करते हैं कि यार Samsung एक इंडियन कंपनी है और मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ, इसीलिए ये कंपनी मुझे पसंद है और मैं Samsung का स्मार्टफोन इसीलिए खरीदता हूँ क्योंकि ये एक इंडिया की कंपनी है, हमारे कंट्री की कंपनी है. तो इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या Samsung इंडिया की कंपनी है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि Samsung इंडिया में नंबर वन भी रही है और साथ ही साथ बहुत सारे स्मार्टफोन्स भी लॉन्च किए हैं और काफ़ी वेल नोन ब्रांड में जाने जाते हैं Samsung के स्मार्टफोन्स. फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो पहला स्मार्टफोन था वो भी Samsung का ही था. यहाँ पे है, काफ़ी मुश्किल से मुझे मिला है, ढूंढा है, बहुत ही डब्बे में पड़ा हुआ था. हालांकि ये ऑन नहीं है, इसका बैटरी जो है वो थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है. और ये है Samsung Galaxy Y Duos. जी हाँ, डुअल सिम स्मार्टफोन है, 3G है और काफ़ी पॉपुलर था जिस समय मैंने इस फ़ोन को ख़रीदा था. और मैं आपको बता दूं कि यही मेरा पहला फ़ोन है और यही मेरा पहला स्मार्टफोन भी है. जी हाँ, पर्सनल जो मैंने अपने लिए ख़रीदा था, बाकी बहुत सारे स्मार्टफोन्स मैंने यूज़ किए हैं तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ. और गाइस, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो यार लाइक करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि Samsung जो है वो कितनी पुरानी कंपनी है या हिस्ट्री उसकी क्या है. तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एस्टेब्लिश डेट थी इसकी वो थी 1 मार्च 1938. जी हाँ, 80 साल हो चुके हैं Samsung ब्रांड को. अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये एक साउथ कोरियन कंपनी है. जी हाँ, डबल कोटेड साउथ कोरियन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी बिल्कुल नहीं है. इनके फाउंडर रहे हैं ली बिंग चुल. जी हाँ, आपको इनका नाम जो है यहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप खुद से पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी. और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सियोल साउथ कोरिया में. तो ये है कुछ Samsung की थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो कि आपको जानना चाहिए. गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे Samsung ब्रांड की तो काफ़ी इनोवेटिव ब्रांड है, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं हर साल, चाहे हम बात करें स्मार्टफोन मार्केट की या फिर हम बात करें टेलीविजन की, LED TVs, AMOLED जो पैनल आते हैं वो Samsung के ही ज़्यादातर आते हैं. तो ये सारी चीज़ें Samsung करता आया है, कुछ ना कुछ आपको नया देने की कोशिश करता रहा है. फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनको नहीं पता है कि Samsung कहाँ की कंपनी है और मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए तो ये वीडियो मैंने बना दिया. फिलहाल अगर हम बात करें Samsung के डिविजन्स की तो काफ़ी सारे यहाँ पे सब ब्रांड भी हैं. यहाँ पे कुछ लिस्ट मैंने बनाई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि स्मार्टफोन्स बनाती है, इसके अलावा यहाँ पे Samsung इंजीनियरिंग है और भी बहुत सारे यहाँ कॉरपोरेशन के भी काम होते हैं. तो यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएंगी Samsung के सारे डिविजन्स की, तो वो भी आप देख सकते हैं. सो गाइज, यहाँ पे अब आप कोई स्मार्टफोन या कोई डिवाइस खरीदते हैं Samsung का तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये एक इंडियन कंपनी है. जी हाँ, ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये साउथ कोरियन कंपनी है. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने बनाया. मुझे लगा कि काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं, मैंने बहुत सारे कॉमेंट्स पढ़े. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए. जनरली मैं ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, मैं रिव्यू बहुत सारे करता हूँ, तो अगर आपको पसंद है रिव्यूज़ देखना, अनबॉक्सिंग, तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो टाइम पे मिल जाए. फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं आपसे मिलता हूँ कल.